तो जो भी गांव में प्रधान वगैरह वो क्या होते हैं कि फर्जी लोगों के नेम लिखवा के उनके बैंक में पैसे डलवा देते हैं, थोड़ा बहुत उनको दे देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा, अभी जो हमारा 2 फरवरी को इंटरिम बजट लेके आई है गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी कुछ हाइलाइट्स के बारे में हम बात करेंगे। और जो हमारा इंटरिम बजट होता है वो जो हमारा फुल बजट आता है उससे कैसे किस प्रकार से अलग है और क्यों अलग है, इसको हम इंटरिम बजट क्यों बोलते हैं। तो 2 फरवरी को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने प्रेजेंट किया आपका इंटरिम बजट फॉर 2024। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 2024 में हमारे लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो फाइनेंशियल ईयर है लास्ट वाला वो हमारा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट अभी गवर्नमेंट कौन सी चुन के आती है, बीजेपी आती है, एनडीए की गवर्नमेंट आती है या फिर हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, नहीं पता ना। तो इसीलिए फुल बजट नहीं लाया जाता है, क्या लेके आए हैं हम, इंटरिम बजट लेके आए हैं फुल की जगह पे फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months। बिकॉज अभी हमें एक्सपेंडिचर तो करने होंगे ना गवर्नमेंट को, तो उस एक्सपेंडिचर के लिए हमें क्या है, पैसा चाहिए। तो टू विदड्रॉ द मनी फॉर द शॉर्ट टर्म, हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है हमारा, उससे पैसा निकालने के लिए फॉर 2 to 3 month एक्सपेंसेस हम इस बजट को लेके आते हैं। और मैं बता दूं आपको बजट हमारा किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 112 के अंदर हमारे बजट आ जाता है। ओके, इट आउटलाइंस द पॉलिसी प्रायोरिटीज एरिया जिसमें आने वाले कुछ मंथ्स में हमारी गवर्नमेंट काम करेगी विदाउट एनी ड्रामा, कोई ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा नहीं हुआ, ठीक है, और हमारा जो है बजट पेश होगा। देखिए क्या होता है कि ये एक किसी रूल बुक में नहीं लिखा है, जनरल कंसेंसस है। अगर जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट ही तो बजट लेके आती है, तो वो चाहे तो पब्लिक को अटैक करने के लिए ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज या स्कीम्स को लेके आ सकती है, बड़े बड़े दावे, ठीक है वो, बट ऐसा नहीं करती है रूलिंग गवर्नमेंट। क्यों नहीं करती है, ये सिर्फ एक कंसेंसस है, किसी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप कोई बड़ी स्कीम्स कोई बड़ी पॉलिसीज को लॉन्च नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमारा इलेक्शन ईयर है, इस पे इलेक्शंस पे असर पड़ता है, ठीक है। तो इस बार एक चीज़ और भी लग रही है मुझे कि बीजेपी जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम इलेक्शन जीत ही जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करने का सोचा नहीं। बट लास्ट वाले इलेक्शन की मैं बात करूँ, जब इंटरिम बजट ये लोग लेके आए थे, तो उसमें थोड़ा सा था कि पब्लिक की जो अटेंशन है उनको ग्रैब करने की कोशिश की थी या दाना डालने की, जो भी है। ओके, तो बाकी उसके बाद जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए, उन्होंने बोला ये बहुत ही इनोवेटिव बजट है, कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने हाइलाइट किया है द अपलिफ्टमेंट ऑफ द 4 pillars ऑफ इकोनॉमी, तो हमारे जो 4 pillar हैं इकोनॉमी के, उनके अपलिफ्टमेंट की बात की है, उनके उत्थान की बात की है। अपलिफ्टमेंट किस किस के, 4 pillars कौन से हो गए, हमारे गरीबी, जो आपके पुअर लोग हैं, ठीक है, गरीब हैं हमारे, जो महिलाएं हैं हमारी, वुमेन है, युवा है, यूथ है, और अन्नदाता मतलब कि जो फार्मर्स है, तो ये हमारे 4 pillar हैं, इनके अपलिफ्टमेंट की बात की गई हमारे इस बजट में। द बजट हैज़ प्रपोज्ड टू विदड्रॉ ऑल द डायरेक्ट टैक्स डिमांड अप टू दी 25,000 टिल द ईयर 2009 and 2010 अप टू दी, मतलब जो ये इससे बहुत बड़ा एक रिलीफ मिल गया है, जो गवर्नमेंट ने पहले उनको क्या एक नोटिस दिया था कि इनको टैक्स जमा करना था, तो इसके स्लैब के अंदर जो भी आते हैं उनका क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या करा है, विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिला है, आप बोल सकते हो। टैक्सेशन कोई भी हमारे जो टैक्स स्लैब्स जो है, स्लैब्स में कोई चेंज नहीं किया गया है, टैक्स स्लैब्स जैसे पहले थी वैसे ही रखी गई है, रिमेन्स अनचेंज। एक और है कर्तव्य काल की बात करी गई है, कर्तव्य काल क्या, टू बिकम द डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047, मतलब इंडिया कौन सा कैसी इकोनॉमी है, वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी, हम कैसी इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी, जैसे हमारा यूएसए हो गया, मेनली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमारे डेवलप्ड इकोनॉमी में आते हैं, सारी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक और टर्म सुनी होगी आपने करंट अफेयर में, जनरली आती रहती है, हमारा ग्लोबल साउथ करके, ग्लोबल साउथ एंड हमारा क्या, ग्लोबल नॉर्थ। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये ज्योग्राफिकली हमने क्या, ये ज्योग्राफिकली टर्म डिनोट करती हैं, ज्योग्राफिकली हमने डिवाइड कर रखा है या फिर आपका इकोनॉमी के बेसिस पे, ठीक है, बिकॉज नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया को हम ग्लोबल साउथ में लेके आएंगे या फिर ग्लोबल नॉर्थ के अंदर आता है, बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो क्या था, हमने क्या किया, डेवलप्ड इकोनॉमी हमें 2047 तक इंडिया को बनाना है, और इस ड्यूरेशन में, इन 23 ईयर्स में हमें अपने कर्तव्य को फॉलो करना होगा, उस पाथ पे चलना होगा ताकि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बन सके। लेकिन एक चीज़ और बात मैं बता दूं, डेवलपिंग इकोनॉमी बने रहने के किसी नेशन के अपने ही फायदे हैं। चाइना है, चाइना
डेवलपिंग है, कहीं से कहीं तक डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाया जाना चाहिए, बट नहीं, चाइना खुद को हमेशा बोलता है कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, अभी हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ हुई नहीं है, ठीक है, उसके अपने बेनिफिट्स, उनके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, ठीक है। न्यू फिस्कल टारगेट्स हैं हमारे 5.1% फिस्कल टारगेट्स, तो समझ आता है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है कि जो गवर्नमेंट सेल करती है या फिर लीज पे दे देती है हमारी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, उनको उससे हम क्या करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे एंड देन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन स्पेंट मोर, मतलब हमें बाहर से या पैसे को बोरो नहीं करना है, ठीक है, बोरो कम करेंगे हम और क्या करेंगे, स्पेंड ज़्यादा करेंगे, ठीक है। गोल्डन एरा और एक टर्म की बात हुई है, FDI फ्लो बिटवीन, मतलब 2014 से 2023 के बीच जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो फ्लो रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय प्रपोजिंग टू रेज कैपिटल, एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर हम जनरेट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने से क्या होता है कि फर्दर आपकी जो है इनकम का एक सोर्स जनरेट हो जाता है। अगर किसी एक हमारा रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ये सब आपकी इकोनॉमी की बेसिक टर्म्स है, आई होप कि आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। ये जो है आप याद रख लीजिएगा, ये हमारे बंडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अदरवाइज UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे नहीं, फैक्ट इतने नहीं पूछे जाएंगे। टैकलिंग दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब एक हम ट्रेडिशनल पॉवर्टी की डेफिनेशन के मैं बारे में बात करूं तो हम गरीबी क्या समझते हैं कि किसी कौन इंसान कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, कितने पैसे खर्च कर रहा है, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट नहीं, तो गवर्नमेंट का हमारा बोलना है कि हमारी जो बेसिक और जो हमारी ट्रेडिशनल एक मीजर करने का तरीका है, कैसे डिफाइन करते हैं बेसिक मनी के बेस पे, परचेजिंग पावर क्या है, सो द टाइम टू अवॉइड ट्रेडिशनल डेफिनेशन, और हमें स्विच करना होगा अब अपनी मॉडर्न डेफिनेशन पे। मॉडर्न में क्या आता है, जैसे अगर किसी के पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है तो वो पुअर कहलाया जाएगा, पुअर हेल्थ है, मतलब कि खाने माल न्यूट्रिशन हो रखा है, कुपोषक के शिकार हैं, कुपोषणता बढ़ती जा रही है बच्चों में या फिर बड़ों में, लैक ऑफ क्लीन वाटर, पीने का शुद्ध पानी ही नहीं है, वो गरीब की कैटेगरी में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है आपके पास, स्कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क है, तो इन सारी चीजों पे काम करा जाएगा ताकि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को क्या कर सके, टैकल कर सकते हैं, ठीक है। बिग अचीवमेंट ऑफ DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी कि अगर किसी भी हमें टारगेट बेनिफिशियरी को पैसा पहुंचाना है तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, ताकि इससे क्या होगा कि जो भी मिडिलमैन है और जो हमारी लीकेज हो जाती है फ्लो में, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। फोकस ऑन कटिंग एंड मिनिमाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूट लॉस बाय एलिवेटिंग द लीकेज एंड द मिडिलमैन। देखिए जनरली क्या होता है, मैं एक बहुत ही अपने खुद जो मैंने देखा है वो एग्जांपल बता रही हूँ, जो हमारी MG नरेगा वाली स्कीम जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट गारंटी देती है कि हम आपको वर्क प्रोवाइड करेंगे, वो मुझे बताओ कितने दिन का वर्क की गारंटी देती है, 100 डेज है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। देन क्या उसमें गवर्नमेंट स्कीम लेके आई कि हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, बिकॉज ऐसा होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र पे ही मैं बता रही हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को उनका बेनिफिट मिलता है जो मतलब कि उसके अंदर नहीं आते, वो गरीब नहीं है, उनको ज़रूरत भी नहीं है, तो जो भी गांव में प्रधान वगैरह वो क्या होते हैं कि फर्जी लोगों के नेम लिखवा के उनके बैंक में पैसे डलवा देते हैं, थोड़ा बहुत उनको दे देते हैं या जैसे भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है और खुद ले लेते हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट हमारी कितनी भी अच्छी स्कीम्स को लॉन्च करे, लेकिन अगर वो टारगेट बेनिफिशियरी तक पहुँच रही हैं देन वेल एंड गुड, नहीं तो ऐसा बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। तो उसके लिए ही अभी करंट अफेयर में एक और न्यूज़ आई थी, क्या थी, उसमें भी कुछ अपडेट किया गया है, वो मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि ये जो हमारा लीकेज हो रहा था मिडिलमैन वाला, ये चीज हम लीकेज को इस उससे बहुत हद तक कम कर पाएंगे, ओके। मुद्रा स्कीम के थ्रू क्या था, हमने लोन्स दिए थे स्मॉल एंटरप्राइजेस कंपनीज जो हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं, उनको गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड करा था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और नेक्स्ट हमने क्या बात करी, वुमेन हेल्थ केयर स्कीम्स, वुमेन की जो हेल्थ केयर है उन पर ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, एनकरेज वैक्सीनेशन और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। कौन है वो पूनम पांडे हैं, कौन है भाई सर्वाइकल कैंसर, ये तो भूल नहीं सकते, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कैसे क्या रहता है, ठीक है। करंट में काफ़ी टॉपिक चला है, उन्होंने बोल दिया था कि सर्वाइकल कैंसर से ये क्या है, अवेयरनेस जनरेट करने का उनका एक तरीका था, गलत था सही था वो छोड़ो, ठीक है। फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द वुमेन, फिस्कल लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे लखपति दीदी सुना होगा, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, ये सब हमारा वुमेन एम्पावरमेंट किया जाएगा, उनकी हेल्थ केयर स्कीम पे ध्यान दिया जाएगा, मतलब हेल्थ केयर स्कीम्स लॉन्च करेगी गवर्नमेंट, ये आने वाला जब फुल बजट आएगा उसके बारे में बात हो रही है,
ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर यूथ एंड द एंड हाउसिंग, ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर, मतलब कि जो मिडिल क्लास है उनको अफोर्डेबल हाउसिंग दी जाए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या है 20 मिलियन हाउसेस नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या करेंगे, हम बनाएंगे स्कीम टू बी लॉन्च टून, उसके बाद जब आपका फुल बजट आ जाएगा देन हमारी स्कीम लॉन्च होगी। रूफ टॉप सोलराइजेशन होगा, आइडेंटिफाई कर देंगे 1 करोड़ हाउसेस को, उनको सोलर पैनल दिए जाएंगे एंड देन आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी रिन्यूएबल सोल, ये हमारा क्या है, आप सन से एनर्जी जनरेट कर रहे हो, ये क्या है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इससे हमारा क्या होता है एमिशन वगैरह नहीं होता है। ओके, तो ये सारे आपके कुछ की हाईलाइट्स है। बाकी एक और न्यूज़ थी करंट अफेयर में कि 2050 को आपने पढ़ा होगा करंट का, 2050 तक हमारे यहाँ पे जो सोलर पैनल्स हैं उनका एक डंप और एक ढेर इकट्ठा होने वाला है, बिकॉज हमारे पास इंडिया की ही मैं बात करूँ तो हमारे टारगेट्स हैं कि हमें कितना कितनी सोलर पावर से एनर्जी जनरेट करनी है, हमारे टारगेट्स तो हैं लेकिन हमें नहीं पता कि ये जो वेस्ट हम कर रहे हैं इसको हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मैनेजमेंट का तरीका नहीं है कि हमें अपने वेस्ट को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आप कह सकते हो, मीन्स वगैरह कहीं लिख रहे हो तो ये एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ की हाईलाइट्स थे आपके बजट के बारे में, आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। Thank you.